यूपी में टिकट बंटवारे के बाद बीजेपी में कई नेताओं के बागी तेवर अपना लिए। कई नेताओं ने वाराणसी में बीजेपी नेताओं ने बैनर पोस्टर के जरिए प्रधानमंत्री मोदी से कई सवाल किए हैं। सवालों के जरिए कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जाहिर की है। आपको बता दें कि नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए आज यूपी बीजेपी के अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य वाराणसी भी पहुंच रहे हैं। उनके सामने विरोध जताने के लिए चकिया से भारी तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता वाराणसी पहुंच रहे हैं। तो आज केशव प्रसाद मौर्य पहुंच रहे हैं, जो असंतुष्ट कार्यकर्ता हैं उन्हें मनाने के लिए। लेकिन यहां पर जो स्थिति है वो ज्यादा सुधरती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि लोगों में काफी गुस्सा है। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य आज पहुंच रहे हैं, नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने की वो पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन यहां पर विरोध जताने के लिए सभी पहुंचे हुए हैं और कई सवाल भी पूछे गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। आपको ये बता दें कि कैंट विधानसभा क्षेत्र से सौरभ श्रीवास्तव को टिकट दिए जाने से नाराजगी बढ़ी है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि पहले इनके माता पिता को झेला और सौरभ श्रीवास्तव को झेलना है। कार्यकर्ताओं ने पूछा है कि क्या आगे इनके बेटे को भी झेलना पड़ेगा। हम आपको ये भी बता दें कि पोस्टर में क्या क्या सवाल पूछे गए हैं। क्या भूमाफिया और अहंकारी को झेलना हमारी नियति बन गई है? जो नेता कार्यकर्ताओं से अशिष्ट भाषा से बात करते हैं उन्हें झेलना हमारी लाचारी बन गई है? 27 साल से शासन कर रहा श्रीवास्तव परिवार ने कैंट में क्या काम किया है? क्या श्रीवास्तव परिवार को झेलना भाजपा और कार्यकर्ताओं की मजबूरी बन गई है? ये वो सवाल है जो पूछ रहे हैं कार्यकर्ता पीएम मोदी से। अमित हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं इस खबर पर। अमित, ये बताइए, यहाँ पर नाराजगी साफ तौर से देखी जा रही है, सवाल भी कई पूछे जा रहे हैं। ऐसे में लगता है कि जब केशव प्रसाद मौर्य वहां पर पहुंचेंगे तो इन सवालों का जवाब दे पाएंगे, क्योंकि विकास की बात की जाती है लेकिन विकास श्रीवास्तव परिवार ने नहीं किया, इसी वजह से नाराजगी है। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ उत्तर प्रदेश के जो बीजेपी के प्रभारी हैं ओम माथुर, वो भी पहुंच रहे हैं और असंतोष लगातार बढ़ते जा रहा है। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कैसे जवाब देते हैं, क्योंकि प्रेस ब्रीफ में वो ये बात जरूर बताने की कोशिश करेंगे कि एवरीथिंग इज ऑल राइट इन पार्टी और ऑल इज वेल का संदेश लेकर ही वो यहाँ आए हैं। और प्रेस ब्रीफ से पहले उनकी पूरी कोशिश होगी कि असंतुष्ट नेताओं के साथ उनकी एक बैठक हो, 12:15 बजे एक बैठक होनी है और उसमें काशी प्रांत के सभी महत्वपूर्ण नेता उसमें शिरकत करेंगे। लेकिन जो सवाल उठाए गए हैं वो सवाल बिल्कुल वाजिब है, अपनी जगह पर है। 1991 से एक ही परिवार के पास ये सीट है, परिवारवाद का आरोप बीजेपी लगाती रही है, खासकर सत्ताधारी पार्टी समाजवादी पार्टी पर। और अब पीएम कॉन्स्टिट्युएंसी में जो सबसे प्रतिष्ठित सीट है कैंट विधानसभा पर, एक ही परिवार के एक सदस्य को आगे बढ़ा रही है पार्टी, तो उसको कैसे डिफेंड करेगी पार्टी, ये देखना दिलचस्प होगा। इसके साथ साथ शहर दक्षिणी का भी बड़ा मसला महत्वपूर्ण है, क्योंकि श्यामदेव राय चौधरी के टिकट कटने के बाद जो प्रत्याशी पार्टी ने खड़ा किया है उस पर आम सहमति नहीं है, कार्यकर्ता उनके साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं दिख रहे हैं। शहर उत्तरी में भी यही बात है, 3-3 सर्वे कराया गया और तीनों सर्वे में बात सामने आई कि कार्यकर्ता संतुष्ट नहीं है, और ये जानकारी भी मिल रही थी कि प्रत्याशी का नाम काटकर। बिल्कुल अमित, सही बात है, जब सर्वे करवाया गया और कार्यकर्ता संतुष्ट नहीं थे तो फिर क्या जरूरत थी उस सर्वे की और क्या मायने निकले उस सर्वे के, ये बड़ा सवाल है। शुक्रिया अमित ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, आगे भी आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे।